हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाली HD 4K वॉलपेपर एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। जैसे दोस्तों, इससे नाम से ही मालूम चल रहा है कि एक तरह का वॉलपेपर है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फ़ोन में कूल और इंटरेस्टिंग वॉलपेपर लगा सकते हैं। अभी तक इस एप्लीकेशन को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। 4.2 की रेटिंग मिली हुई है। जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। आपको ट्राई नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देख रहा है कि किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए, किस टाइप का आप वॉलपेपर पसंद करते हैं। तो यहाँ पर डार्क है तो कुछ यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर नेचुरल ले लेता हूँ, डार्क ले लेता हूँ, इसके अलावा 4K वॉलपेपर ले लेता हूँ। आप इस क्लिक के कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ आने के बाद आपको कह रहा है कि आप इसका प्रीमियम प्लान लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर कट का निशान दे रहा है, आपको इसको कट कर देना है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं इस एप्लीकेशन के होम पेज पे। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके का, अलग अलग कैटेगरी टाइप का यहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं वॉलपेपर। आपको बस क्या करना है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसमें से आपको वॉलपेपर ढूंढना है कौन सा जो लगाना है। यहाँ पर अगर आप नेचुरल जो भी आप डिसाइड किए होंगे, जो भी तीन कैटेगरी चूज़ किए होंगे वो शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च सेलेक्ट किया था डार्क 4K वॉलपेपर एंड नेचुरल, तो मैं अभी 4K वॉलपेपर में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी 4K वॉलपेपर ले लेता हूँ। अभी के लिए मुझे ये वाला कूल अच्छा लग रहा है तो मुझे ये इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्किप करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर दे रहा है सेट, ठीक है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऐड का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, आपको एक ऐड देखकर तब ये डाउनलोड होगा, नहीं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो फ्री में है यहाँ पर अवेलेबल है, फ्री में बस सेट पर क्लिक कर देंगे। तो अभी के लिए मुझे ये लगाना है तो मैं इस सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और वॉच ऐड पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ये 30 सेकेंड का ऐड चल रहा है और 30 सेकेंड का ऐड जैसे ही फिनिश होगा हमारा ये जो वॉलपेपर मैंने सेलेक्ट किया है वो हमारे फ़ोन पे लग जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो दोस्तों, ऐड ख़त्म हो चुका, हम ऐड को कट करते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा है, आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं अपनी गैलरी में। ठीक है, आप ये सेट होम स्क्रीन पर कर सकते हैं, इस वॉलपेपर को लॉक स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोनों लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पर ये वॉलपेपर है तो आप सेट होम एंड लॉक स्क्रीन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए होम वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, होम स्क्रीन पे, और यहाँ पर ये होना चालू हो चुका है। अब ये फिर से ऐड आ गया है और ऐड को हम लोग कट करेंगे, यहाँ से ऐड को कट करेंगे और यहाँ पर हो सकता है हमारा वॉलपेपर लग चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारा वॉलपेपर ये आ चुका है हमारे फ़ोन में लग चुका है पूरी तरह से। अगर हम इस ऐप को ऐप को डिलीट भी कर देते हैं तो ये वॉलपेपर हमारे फ़ोन में शो करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर दो टाइप के मैंने कंटेंट बताया ना आपको, दो टाइप के यहाँ पर ऐड वॉलपेपर मिल जाते हैं, जिसमें आपको एक में तो ऐड देखना पड़ेगा और दूसरे में, ये फिर से ऐड आ गया, फिर से ऐड को कट करते हैं हम लोग। तो दूसरे में बिना ऐड के ही, जैसे यहाँ पर बिना ऐड को ही आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें एक रील्स की तरह आप इसको स्क्रॉल करके आप वॉलपेपर चेक कर सकते हैं कि कैसा आपके फ़ोन में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने कूल कूल से वॉलपेपर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वॉलपेपर फाइंड कर सकते हैं और उसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें दी हैं, यहाँ पर ट्रिपल लाइन का ऑप्शन दिया है जिसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका माई प्लेलिस्ट मिल जाता है, प्रोफाइल का मिल जाता है, आपको रेटिंग करने का वगैरह वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर रिसेंट का ऑप्शन जो दिया है, रिसेंट में जो हमने फ़ोटो लगाए होंगे वो शायद यहाँ पर शो करेगा, तो रिसेंट में बस वही शो कर रहा है, ज़्यादा वो आपका नहीं शो कर रहा है। कलेक्शन में भी आपका देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पॉपुलर में जो पॉपुलर होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको, जो भी इस ऐप का पॉपुलर वॉलपेपर होगा सब यहाँ पर शो करेगा। तो ईजी टू यूज़ एप्लीकेशन है, आप बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं।